हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। फ्रेंड्स, क्लास 12th का सोशियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, जो सेकेंड बुक है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसका तीन चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। पहली बुक जो इंडियन सोसाइटी है, उसका पूरा चैप्टर भी हो चुका है, साथ ही साथ रिविजन वीडियो भी हो चुका है। एक चैप्टर उसका बचा, वो डिस्कस करना है हमें। उसके बाद देखो, इसमें तो हम थोड़ा बहुत बता ही दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, लेकिन अगर आप लोग बताएंगे तो मैं डिटेल में क्वेश्चन आंसर आपको बताऊँगा, खुद लिख के एक एक क्वेश्चन आंसर मैं बताऊँगा, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो कि कैसे लिखने हैं, कैसे टैकल करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं फोर्थ चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ, इसका नाम है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। इसमें बताया जा रहा है कि ब्रिटिश के पॉलिसी के बाद हम जब आज़ाद हुए, तब हमारे रूरल सोसाइटी में क्या क्या चेंज आए। और रूरल सोसाइटी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एग्रीकल्चर, उसमें क्या क्या चेंजेज आए, फार्मर में, पीजेंट में क्या क्या चेंज आए, लैंड रिफॉर्म कैसे कैसे हुआ, और उसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद देखेंगे हम कि रूरल सोसाइटी में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ लेबर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन रूरल सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट किया, पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है फार्मर सोसाइटी के बारे में, क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो दो वीडियो इसमें कम से कम लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, आप सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम से तो जुड़ ही जाना आप। उसके अलावा आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, नंबर लिखा है, आप देख सकते हो। चैप्टर का नाम है चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। तो सबसे पहले इसकी बेसिक बात देख लेते हैं कि हम रूरल सोसाइटी की बात ही क्यों करते हैं, क्या हुआ ऐसा कि हम, मतलब हमारे लिए रूरल सोसाइटी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक बात डिस्कस करते हैं कि हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, रूरल एरिया की बात क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा देश गांव का देश है। हमारे देश में बहुत सारे पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 68.8 पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहते हैं, जबकि 31.2% अर्बन एरिया में रहते हैं। और ये पता कहाँ चला, हमारा डेटा है सेंसस 2011 का डेटा है, इसलिए सेंसस, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 पता चला कि हमारे गांव में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ऑलमोस्ट 68.8%, और शहर में रहती है 31.2%। ठीक है, उसके अलावा हमारे गांव में जो लोगों की लाइवलीहुड है, वो किस पे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे है। एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ कुछ कर लेते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ पे भाई एग्रीकल्चर, जहाँ पे खेती करनी हो तो लैंड ही है ना, तो लैंड ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है रूरल एरिया के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लैंड जस्ट प्रॉपर्टी नहीं होता है, और न ही ऐसा है कि मतलब है कि सिर्फ प्रोडक्शन का एक माध्यम होता है कि भाई ये लैंड है मेरा, यहाँ पे प्रोडक्शन कर लेते हैं। भाई एग्रीकल्चर वहाँ के लोगों का ज़िंदगी बन जाता है, तरीका बन जाता है कैसे जीते हैं। और उसके बाद वहाँ के लोगों का जो भी फेस्टिवल है या जो भी कल्चर है, सब कुछ डिपेंड होता है बहुत हद तक एग्रीकल्चर पे ही। जैसे आपको पता होगा बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, जैसे पोंगल, बिहू या मकर संक्रांति, इस बिहार वगैरह में होते हैं मकर संक्रांति, और उसके अलावा यूपी में खिचड़ी, ऐसे ऐसे पर्व जो होते हैं, ऐसे ऐसे फेस्टिवल होते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली किस पे बेस्ड होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के, यानी हार्वेस्ट सीजन में। ध्यान देना, हार्वेस्ट सीजन में फसल अच्छी हो, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं या ऐसी कामना करते हैं कि अभी तो ये वाला फसल अच्छी हुई है, नेक्स्ट वाला फसल हो वो भी अच्छा हो। तो यानी देख रहे हो, एग्रीकल्चर पूरी तरह से लोगों का ज़िंदगी जीने का तरीका बन जाता है विलेज के लोगों का। इसके अलावा बहुत अलग अलग एक्टिविटी होती है जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। जैसे कोई इंसान लेबर का काम कर रहा है, कोई इंसान के पास थोड़ी मशीन है जो इरिगेशन करवा रही है, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास थ्रेसर है, तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को। कोई फर्टिलाइज़र बेच रहा है, कोई वहाँ पे आपको सीड्स प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा विलेज अल्सो इंक्लूड स्पेशलिस्ट एंड सर्विस क्लर्क।
विलेज में इसके अलावे, एग्रीकल्चर के अलावे ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी न किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं और सर्विस क्लास होते हैं। जैसे हम उनका कास्ट भी उसी हिसाब से मतलब उनका नाम दिया जाता है, जैसे किसी को वॉशरमैन, जैसे धोबी को वॉशरमैन बोलते हैं, पॉटर, उसके अलावे बार्बर, ये सब एक सर्विस कास्ट है। इन लोगों का काम बटा हुआ है विलेज एरिया में बहुत हद तक। उसके अलावा विलेज एरिया में एक सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होती, इसके अलावा बहुत एक्टिविटी होती है विलेज एरिया में। कुछ नॉन फार्म एक्टिविटी भी होती है। फार्म एक्टिविटी तो आपने देख लिया, या तो खेती करेंगे, या तो पशुपालन करेंगे, या कुछ कुछ ऐसे ही करेंगे। लेकिन उसके अलावा नॉन फार्म एक्टिविटीज होती है। जैसे मान लो विलेज के स्कूल में आप टीचर हो, विलेज के स्कूल में आप टीचर हो, तो आप सर्विस क्लास में आते हो। आपका सर्विस क्लास आपके कास्ट पे बेस्ड नहीं है, तो आपको पता है। स्पेशलिस्ट सर्विस क्लास होता है, एक और होता था जो कास्ट के बेसिस पे होता था, जैसे बार्बर, नाई वगैरह जो होते हैं, जो धोबी वॉशरमैन होते हैं, इन सब कास्ट के बेसिस पे होता है। लेकिन यहाँ पे पोस्टल सिस्टम, एजुकेशन, आप टीचर हो, आप पोस्ट ऑफिस में कुछ हो, उसके अलावा आप फैक्ट्री वर्कर हो उसी एरिया में, या आप उस गांव के बगल में जो टाउन है वहाँ पे जाते हो काम करने एज ए फैक्ट्री में, तो ये सब क्या हो, आप नॉन फार्म एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो। इस प्रॉब्लम में कोई इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि हम क्यों एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमने ये भी देख लिया कि गांव में और क्या क्या होता है, कि गांव में सिर्फ फार्म एक्टिविटीज होती है, इसके अलावा कुछ नॉन फार्म एक्टिविटी भी होती है। अब मेन हमारा पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है एग्रेरियन स्ट्रक्चर। इसमें बताया जा रहा है एग्रेरियन स्ट्रक्चर, इसमें बताया जा रहा है कि हमारा जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है वो कैसे कास्ट और क्लास के बेसिस पे बटा हुआ है। हमारा एग्रेरियन स्ट्रक्चर, एग्रेरियन स्ट्रक्चर का मतलब होता है, सिंपल होता है कि स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कि मान लो पूरे विलेज में जो गांव है, गांव में जो जमीन है, जो लैंड होल्डिंग है, वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर बहुत ज़्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हुई सबको, तो आप बोलोगे कि यार बहुत इगालिटेरियन सोसाइटी, हमारा विलेज बहुत इगालिटेरियन है। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। और भाई आप फिर बोलोगे, आप भैया लैंड पे ही क्यों इतना जोर दे रहे हो। भाई मैंने पहले ही बताया, विलेज में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, लैंड। तो हम देखते हैं कि लैंड होल्डिंग का, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अगर सबके पास गांव में 100 लोग हैं, सबके पास एक एक एकड़ जमीन है, तो बहुत इगालिटेरियन सोसाइटी होगा। अगर लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम होता है कि इगालिटेरियन अगर सोसाइटी है, तो उसमें सर्विस कास्ट कौन होगा। भाई क्या सबके पास एक एक एकड़ जमीन है, उसका काम चल जा रहा है, तो क्या वो जो नाई वाला काम है वो नाई वाला करने जाएगा? नहीं करने जाएगा। जो वॉशरमैन वाला काम है, नहीं करने जाएगा। उसको पता है कि काम तो आराम से चल ही जाएगा, तो नहीं जाएगा करने। तो समाज में थोड़ी बहुत मतलब डिफरेंस होना भी जरूरी है, कि सर्विस कास्ट अलग है। डिफरेंस तक ठीक है भाई, लेकिन डिफरेंस जब आप रैंकिंग करने लगते हो डिफरेंस के बाद, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि लैंड के स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इसको देखने का जो टॉपिक है, उसको बोलते हैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर। तो ऐसा क्यों होता है कि लैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं रूरल सोसाइटी में, यही हमारा क्लास स्ट्रक्चर। देखो दो वर्ड है इसमें, क्लास और कास्ट। जब भी क्लास आए ना, तो क्लास का मतलब होता है इकोनॉमिक टर्म में, कि भाई आपके पास ज़्यादा जमीन है, ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो आप पैसे वाले में ज़्यादा भी होंगे। उसके अलावा एक होता है कास्ट, कास्ट थोड़ा सोशल टर्म होता है। सोशल का मतलब है कि अपर कास्ट है, तो थोड़ा आपका स्टेटस वैसे भी ऊंचा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, हमारा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ कि हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो विलेज एरिया में जो लैंड होते हैं, चाहे आप भी किसी गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, तो आपको पता ही होगा सबके पास इक्वल लैंड नहीं होता। तो लैंड हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। 40 से 50% पीपल, बहुत ज़्यादा मतलब अधिकतर केस में ऐसे होता है, 40 से 50% लोगों के पास तो लैंड होता ही नहीं है, या होता भी है तो इतना स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है कि उससे अपना गुजर बसर भी नहीं कर सकता हो,
ठीक है ना। तो डिपेंडेंट कैसे होंगे भाई, जो अपर क्लास जिसके पास जमीन जाता है उसके जमीन में काम करने जाते हैं सीजन में, जिस सीजन में मतलब खेती वगैरह होती है उस सीजन में जाते हैं काम करने, और उससे वो कुछ पैसे कमा लेते हैं और उससे अपना गुजर बसर करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर एग्रेरियन स्ट्रक्चर की बात करो तो चलो मेल को तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन वुमेन को हाईली एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्योंकि जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि किसी फादर का जो जमीन होता है वो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम जो गर्ल को हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं बांटते हैं बहुत हद तक। देखो कहीं कहीं हो सकता है आप में से किसी एक की सोसाइटी में कुछ अलग हो, ऐसा हो सकता है मैं मान रहा हूँ, लेकिन अधिकतर सोसाइटी में यही होती है कि मेल में जमीन का बंटवारा हो जाता है और फीमेल को हाईली मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो मतलब लेकिन कानून के हिसाब से इक्वल शेयर होना चाहिए, जितने बच्चे हैं सबको इक्वल शेयर, अगर चार बच्चे हैं दो बेटे दो बेटी तो इक्वल शेयर होना चाहिए, 25% 25% 25%। लेकिन हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो वुमेन को हाईली मतलब क्या कर दिया जाता है, राइट से बिल्कुल दखल कर दिया जाता है, और मिलता भी है तो लिमिटेड मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैंने बताया ना कि हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कुछ लार्ज लैंड ओनर होते हैं, लार्ज लैंड ओनर और कुछ मीडियम होते हैं, तो भाई इनके पास तो अच्छी खासी ज़मीन होती है, इनके पास अच्छी खासी ज़मीन है तो सफिशियंट अर्न कर लेते हैं, सफिशियंट अर्न कर लें और इनके खेत में काम भी करने कौन जाते हैं, लेबर वगैरह काम करने जाते हैं, इनका तो अच्छे से चल जाता है गांव में भी। लेकिन प्रॉब्लम होता है एग्रीकल्चर लेबर को, क्योंकि इनको पैसे भी कम दिए जाते हैं और उसके अलावा इनको कभी कभी उसमें दिया जाता है ग्रेन वगैरह दिया जाता है कि आप खेत में काम करने जाओ, आपको पैसे नहीं, आपको 5 kg ग्रेन दे देंगे एक दिन का, या इतना के जी ग्रेन दे देंगे, ये होता था एक्चुअली। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि अधिकतर एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं वो पॉवर्टी लाइन के एकदम नीचे होते हैं या जस्ट ऊपर होते हैं, लेकिन उसी के आसपास होते हैं। यानी हम ऐसा इन्होंने बताया इस बुक में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी एग्रीकल्चर लेवल नहीं है उसका स्थिति बहुत अच्छा है अगर उसको किसी और जगह से पैसे नहीं इनकम हो रहा है तो। ठीक है, एक नया टर्म है टेनेंट्स, टेनेंट्स को आपको पता होगा, टेनेंट्स क्या होता है, वो जैसे वो क्या करते हैं, वो एज ए एग्रीकल्चर लेबर एज ए काम नहीं करने जाते, वो बोलते हैं जो लार्ज लैंड ओनर या मीडियम लैंड ओनर है उनको बोलते हैं कि भाई आप अपना ज़मीन मुझे लीज पे दे दो, आप अपना ज़मीन मुझे लीज पे दे दो और उसमें मैं खेती करूँगा और उसका कुछ परसेंटेज मैं रख लूँगा, आप बाकी आपको दे दूँगा। जैसे ऐसे होता है जनरली 50% होता है, जैसे आपसे लैंड लीज पे ले लिया 1 साल के लिए, ये क्रॉपिंग सीजन के लिए, जितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन मान लो 100 kg हुआ, तो लैंड ओनर को 50 से 70 kg लैंड ओनर को दे देगा, 30 kg खुद रख लेगा, क्योंकि सारा मेहनत इसने किया, इस लैंड ओनर का सिर्फ और सिर्फ जमीन था और कुछ नहीं। तो टेनर्स क्या होता है, लीज लैंड पे लेते हैं, लेकिन इनका इनकम ओनर से लो होता है क्योंकि 50 से 70% पार्ट ओनर को देना पड़ता है। जैसे मैं अपनी विलेज की बात करूँ तो इसमें 50-50 होता है, अभी भी होता है टेनर्स वाला केस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांव एरिया में जनरली हाई कास्ट हायर कास्ट के पास हायर क्लास होती है, भाई जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो जनरली बहुत ज़्यादा चांस है कि वो तो ये तो हायर कास्ट होंगे। जैसे किसी एरिया में जैसे मान लो हायर कास्ट अगर ब्राह्मी नहीं है तो ऐसा नहीं है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा कि जो शूद्र वगैरह जो कम्युनिटी होगी वो हायर क्लास में होगी, उनके पास हायर ज़मीन होगी, क्योंकि ऐसा पहले से ही चला आ रहा है। ज़मींदारी सिस्टम में ब्रिटिश ने ज़मींदारी उसी को दी जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था और जो उस सोसाइटी में थोड़ा स्टेटस में ऊंचा था, यानी हायर कास्ट में था, तो ये हो ही गिर रहा है। तो अगर ब्राह्मण नहीं है तो ब्राह्मण के नीचे वाला जो क्षत्रिय कास्ट क्षत्रिय होगा, या जो अपर उस सोसाइटी में जो अपर कास्ट होगा ना, अपर या हम बोल सकते हैं उस सोसाइटी में जो डोमिनेंट कास्ट होगा जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और जो ऊपर के एक दो कास्ट में आते हैं उनके पास ज़्यादा ज़मीन होगी, ये हमेशा अधिकतर जगह पे ये ट्रू होता है, नॉट ऑलवेज, ध्यान देना। इन सोसाइटी वन टू लैंड ओन क्लास, मतलब हर सोसाइटी में एक और दो कास्ट जो होते हैं वो क्या उनके पास लैंड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे
एम एन श्रीनिवास ने कंसेप्ट दिया था डोमिनेंट कास्ट का। डोमिनेंट कास्ट में बताया जाता है ये मेनली मिडिल और हाई रैंक कास्ट होते हैं। मिडिल और हाई रैंक मतलब लोअर नहीं होते, जनरली मिडिल होंगे या हाई होंगे, और इनके पास ज़्यादा अधिकतर ज़मीन होगी। जैसे जाट, राजपूत, ये सब यूपी के हैं, और भी कम्युनिटी होती है बिहार, बिहार जैसे नदन बिहार की बात करें वहाँ पे एक भूमिहार कम्युनिटी होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, वो लैंड ऑनर कम्युनिटी कही जाती है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। अब लैंड रिफॉर्म क्यों कर रहे भाई? भाई लैंड रिफॉर्म करने की ज़रूरत हमें पड़ी क्योंकि जो हमारा एग्रेरियन स्ट्रक्चर है वो हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाईली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई हमने लैंड रिफॉर्म क्यों किया, ब्रिटिश ने लैंड रिफॉर्म क्यों किया? भाई ब्रिटिश के लैंड रिफॉर्म का तो एक ही मतलब था कि ब्रिटिश चाहता था कि हम लैंड रिफॉर्म कुछ ऐसे करें कि हमारा टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो ब्रिटिश ने तीन तरीके से किया है, एक ज़मींदारी, रैयतवारी, महलवारी। तो इन तीनों को मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ लेकिन उतना डिटेल में आपके बुक में नहीं दिया है गया है। उसके अलावा हमने इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स लाए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसमें जो लैंड रिफॉर्म्स हम ला रहे थे उसमें क्या क्या लूपहोल्स रह गई जिसका फ़ायदा उठा के लोगों ने फ़ायदा उठाया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो लैंड रिफॉर्म्स में का मतलब है सिंपल यही है कि हाउ एग्रेरियन स्ट्रक्चर चेंज। एग्रेरियन स्ट्रक्चर का मतलब है कि लैंड किसी के पास था उससे लेके किसी और को आप दे रहे हैं, कि कैसे लैंड रिफॉर्म में चेंज आया प्री कॉलोनियल से कॉलोनियल में और कॉलोनियल से इंडिपेंडेंट में। क्योंकि ब्रिटिश जब आए तो लैंड कुछ और किसी और तरीके से था, ब्रिटिश ने उसे किसी और तरीके से चेंज किया, हमने जब हम आज़ाद हो गए तो हमने किसी और तरीके से चेंज कर लिया। सबसे पहले बताया जाए प्री कॉलोनियल में क्या था कि डोमिनेंट कास्ट के पास लैंड ज़्यादा होता था, डोमिनेंट कास्ट के पास ज़्यादा लैंड होता था। जो उस एरिया के किंग वगैरह होते थे ना, जो किंग होते थे, किंग क्या बोलता था डोमिनेंट कास्ट को कि तुम ज़मीन को मैनेज करो। लेकिन किंग कभी भी, क्योंकि किसी एरिया का जो किंग होता है उनके पास सारा ज़मीन होता है, तो डोमिनेंट कास्ट को बोल देता है तुम ज़मीन को मैनेज करो, लेकिन ज़मीन का मालिकाना अधिकार किंग के पास ही होता है, ये तो आपको पता है। तो डोमिनेंट कास्ट मैनेज करते हैं, पीपल कल्टिवेट करते हैं और क्या टैक्स देते हैं डोमिनेंट कास्ट को। डोमिनेंट कास्ट फिर किसको जाके दे देता है? टैक्स किंग को दे देता है। लेकिन ब्रिटिश को ये पसंद नहीं था, ब्रिटिश कुछ और लाना चाहते थे। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले तीन सिस्टम लाया, ब्रिटिश सबसे पहले ज़मींदारी सिस्टम लाया। ज़मींदारी सिस्टम में क्या किया, ब्रिटिश ये पूरा एरिया है जिसे टैक्स लेना है, ये पूरा एरिया है, अब यहाँ पे ब्रिटिश है तो ब्रिटिश को टैक्स लेना है। तो ब्रिटिश इस एरिया में से एक बंदे को जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जो डोमिनेंट कास्ट का या बहुत है, उसको बोल दिया कि तुम इस पूरे ज़मीन का मालिक हो, तुम हो ज़मींदार, ठीक है ना, और तुम यहाँ से टैक्स लेना है और हम परमानेंट एक बारी सेटलमेंट कर देते हैं, परमानेंटली सेटलमेंट कर देते हैं कि तुम जितना टैक्स लोगे उसका 10/11 मुझे दोगे और 1/11 खुद रखोगे एज ए कंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये रखते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता था, ब्रिटिश क्या पहले ही फिक्स कर देते थे कि इस पूरे एरिया से मुझे 110 kg, मतलब मान लो 100 kg आना चाहिए, परमानेंटली फिक्स कर दे कि इस एरिया से मुझे 100 kg आना चाहिए हर महीने महीने। लेकिन ब्रिटिश कभी भी इसको वो नहीं करते थे, रिव्यू नहीं करते थे कि चलो यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया इसलिए इसको हमें इस 100 kg के जगह पे 200 kg करते थे, 200 kg के जगह पे 400 kg करते थे। तो ब्रिटिश एक बार परमानेंटली करते, लेकिन ज़मींदार भी इतना सुधरा हुआ थोड़ी था, तो ज़मींदार अपने ही हिसाब से यहाँ वसूलते थे, और ज़मींदार बीच बीच में मतलब कोई और इंसान को भी रख देता था। जैसे ज़मींदार है, ज़मींदार को कोई और आके बोलेगा, यहाँ पे पीपल है, यहाँ पे ब्रिटिश है, ज़मींदार को कोई और लोग आके बोल देगा कि भाई आपको तो हर महीने 20 kg मिलता है ना, हम आपको 25 kg दे देंगे, आपको मुझे सिर्फ दे दो कि आप जाके किसान से मार मार के छीन लो, किसान से मार मार के 50 kg छीनते थे, 25 इसको देते थे, 25 खुद रखते थे, अब बाकी ऊपर वाला जो लेते थे तो ब्रिटिश को देते थे। तो इन सब में फंसता कौन था? पीजेंट ही। तो ब्रिटिश को ही पता चल गया, ब्रिटिश को लगा यार
मुझे तो मिल नहीं रहा है, एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या कर रहे हैं, या तो अपने दबा ले रहे हैं क्या, लैंडलॉर्ड खुद दबा रहे हैं यानी जमींदार खुद दबा रहे हैं। तो ब्रिटिश ने अगली बार जो सिस्टम लाया उस सिस्टम में क्या लाया, रैयत बारी, रैयत बारी में जो जमींदारी वाला प्रोसेस था उसी को हटा दिया। अब ब्रिटिश डायरेक्टली क्या करता है, ब्रिटिश डायरेक्टली लेता है। और एक था महलबारी, महलबारी में क्या होता है, ब्रिटिश बोल दिया कि मैं इस पर्टिकुलर विलेज से 100 केजी लूँगा और इस विलेज में एक महल बना दिया, या महल ऐसे बोलते हैं, एक एक जगह है पंचायत टाइप का, यहाँ पे सब आके अपना अपना टैक्स दे रहे हैं, कोई मालिक नहीं, सब आके टैक्स दे रहे हैं, ब्रिटिश एक जगह के ले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे नहीं, गब्बर कैसे करता था, एक जगह खड़ा हो जाता था, सब आके देने लगते थे, सेम वही प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, ब्रिटिश ग्रांटेड प्रॉपर्टी राइट, इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टैग्नेंट, क्योंकि यहाँ देखो ब्रिटिश का भी थोड़ा बहुत मोटिव इसमें ठीक था। ब्रिटिश चाहता था कि हम लैंड राइट अगर जमींदार को दे दो तो जमींदार को जैसे प्रॉफिट होने लगेगा तो जमींदार क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करने लगा जमीन पे, जिससे और ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लोगों को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जमींदार ऐसे इतने अच्छे इंसान तो थे नहीं, जमींदार लोगों को और तबाह करने लगे, और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट फेमाइन, फ्रिक्वेंट वॉर वगैरह होता था, इससे लोगों की और स्थिति खराब होने लगी। तो जब हम आज़ाद हो गए, जब हम आज़ाद हो गए तो हम चाहते थे कि हम प्लान डेवलपमेंट करें, वो तो आपको पता है 5 ईयर प्लान। तो इसमें हमारा जो फोकस ज़्यादा था एग्रीकल्चर पे था और इंडस्ट्री पे, इन दोनों पे फोकस था हमारा साथ ही साथ। तो उस समय एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या था, उस समय एग्रीकल्चर में 3 मेन प्रॉब्लम था, लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी, हमें बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता था खाने के लिए, हमारे प्रोडक्शन मतलब हम बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हम इतना अनाज भी नहीं उगा पाते थे कि खुद खा सके, और हमारे पास ज़मीन बहुत ज़्यादा था लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा था। उसके अलावा डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फूड ग्रेन, और जिनसे हम लेते थे वो बहुत बेकार भेजते थे, और इंटेंस पॉवर्टी था, ठीक है ना, क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी तो कम होगी ही ना होगी, क्योंकि जैसे ही पॉवर्टी थी, गरीबी थी, लोगों के पास न इरिगेशन, न किसी के कुछ के पैसे वगैरह नहीं होते थे, और बीच में पैसे नहीं होते थे, तो भाई उगाएगा कैसे, उगाएगा नहीं तो वही हालत होगी। तो आप होता क्या था, एवोल्यूशन जमींदारी, तो ब्रिटिश ने जा सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मेन एक्ट लाए, जिसमें सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी की जमींदारी को हटाया। जमींदारी में क्या हो रहा हटाया, इंटरमीडिएट देखो क्या करता था, सबसे पहले जो लेयर ऑफ इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा थे उन सबको हटाया, टेक अवे द सुपीरियर राइट ऑफ जमींदार, जमींदारी जो राइट है उनको छीन लिया, और जमींदार तो ऐसे देने वाले नहीं थे, बहुत सारा स्ट्रगल हुआ, और लैंड ओनर ने अपना धीरे 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 अपना पोजीशन स्ट्रेंथन किया भी, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़मीन उनसे ले भी लिया गया। उसके अलावा नेक्स्ट था, ठीक है ना, जमींदारी राइट को हटा दिया, बहुत सारे केस वेस हुआ, आपको बहुत सारे केस वगैरह पढ़ सकते हो पॉलिटी में। जैसे नेक्स्ट है टेनेसी रिवॉल्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट, देखो टेनेंट्स वगैरह क्या होता था, टेनेंट्स से देखो, टेनेंट्स को आप ज़मीन दे रहे हो, टेनेंट्स लीज पे जमीन लेता है ना, तो टेनेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता था, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, कोई लैंड राइट कुछ भी नहीं मिलता था। तो अगर मान लो 1 साल दिए, अगले साल आपसे छीन लिए, जैसे जमींदार ने पहली साल दिया आपको कि ले जाओ लीज पे, ले जाओ 2 साल के लिए लीज पे ले जाओ, लेकिन अगले साल बोलेगा नहीं नहीं मुझे ज़मीन वापस दो, तो आपके पास तो पावर ही नहीं ना है टेनेंट्स के पास। तो टेनेंट्स को थोड़ा राइट दिया गया टेनेंट्स को, और देखो कुछ कुछ स्टेट में अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन बाकी स्टेट में लूपहोल्स का फ़ायदा उठा के चले गए, जैसे केरला एंड वेस्ट बंगाल में अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ। लास्ट है लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट क्या है कि लैंड पे एक सीलिंग लगा दो, सीलिंग का मतलब है कि इससे ज़्यादा किसी के पास लैंड होना नहीं चाहिए, और ये डिपेंड करता था कि लैंड कैसी है, मतलब किस, अब बंजर जमीन है तो वहाँ पे ऑब्वियसली सीलिंग थोड़ा ऊपर होगी, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है वहाँ पे लैंड सीलिंग नीचे थी, तो अपर लिमिट ऑन लैंड ये डिपेंड करता था रीजन टू रीजन, प्रोडक्शन कैसा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती थी, अगर मान लो किसी एरिया में बोला गया कि 25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते, आपके पास 50 एकड़ है तो आपसे ज़मीन छीन लिया जाएगा, और उस एरिया के जो छोटे मोटे किसान हैं
और उनको बांट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, लूपहोल्स, इनको तो जैसे जितना गवर्नमेंट एक्ट लाते हैं इन लोग तो लूपहोल्स निकाल ही लेते हैं। लूपहोल्स इन्होंने सबसे पहले क्या निकाला कि अपने लैंड को रिलेटिव्स और सर्वेंट वगैरह में बांट दिया। देखो जमीन तो उन्हीं का था, बांट दिया कहने कहने के लिए, नाम के लिए बांटा ताकि जमीन एक बारी बच जाए, ठीक है ना, अपने रिलेटिव्स वगैरह बच जाए। उसके अलावा एक और इसमें एक्ट था कि अगर आपके पास 25 एकड़ जमीन है, आप शादीशुदा है, तो आप और आपकी वाइफ दोनों मिला के 25 एकड़ जमीन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप तलाक दे दिए अपनी वाइफ के, तलाक दे दिए, तो होता क्या है, तलाक दे दिए तो आप भी 25 एकड़ रख सकते हो, आपके वुमेन भी 25 एकड़, वाइफ भी 25 एकड़ रख सकती थी। इस समय तलाक का केस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। उसके अलावा इसमें इसमें क्या हुआ कि लोग अपने मतलब बच्चे पे को जमीन दे देते थे, मतलब होता ना कि जमीन को बांट देना। पहले क्या होता था, जमीन एक जगह होता था किसी फैमिली का, जमीन अब बंटवारा हो गया, तो ये भी एक हम बोल सकते न्यूक्लियर फैमिली का इनिशिएशन था। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि न्यूक्लियर फैमिली अब हो सकता है। पहले लोग जमीन साथ रहता था और जमीन पे ही सब कुछ होती थी, तो लोग साथ रहते ही थे, मतलब ज्वाइंट फैमिली होती थी, कंबाइंड फैमिली होती थी। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली का जो प्रोसेस है यहीं से स्टार्ट हुआ। यही सब है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ठीक है, पूरा चैप्टर का बना हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और थैंक यू।